नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ मनोज कुमार सर्च कर सकते हैं चाहे आप। और सी टैट, सुपर टैट और टैट की पूरी तैयारी के लिए आप मेरे कोर्सेज देख सकते हैं। लाइव क्लास में भी आप लोग मुझे अटेंड कर सकते हैं फेस टू फेस, तो लिंक आपका वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो देखिएगा, आज का प्रैक्टिस सेट है अपना संस्कृत का पार्ट नंबर 7। देखिए, व्यंजन को जाना जाता है, अब आपको समय पूरा दिया जाएगा, ठीक है। तो व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर आप लोगों का आ चुका है, हल नाम से इसको जाना जाता है। निम्नलिखित रूप दृश्य धातु के विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का मतलब वचन जो है बहुवचन क्या है? मतलब गाइज, आपको मैं बता दूं, अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट में वचन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और सी टेट में भी दोस्तों आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका बन रहा है कि निम्नलिखित रूप दृश्य धातु के विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का क्या है? बहुवचन का क्या है? आंसर आपका सीधा यहाँ पर आ रहा है पश्येत, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अरे अव्यय सूचक है, अरे अव्यय सूचक है, यह आपका 73 नंबर सही आंसर आपका होगा संबोधन, ठीक है, संबोधन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा कि उपसर्ग के लग जाने से वाक्य में क्या उत्पन्न हो जाता है? अगर वाक्य में उपसर्ग लगा दिया जाए तो क्या उत्पन्न हो जाता है? आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है आपका आंसर? विशिष्ट चमत्कार, विशिष्ट योग, संधि या समास। क्वेश्चन नंबर 74, आंसर आपका हो जाएगा विशिष्ट चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक तो जरूर बनता है गाइस। अगला प्रश्न आपका बन रहा है कि वृद्ध तर में प्रत्यय जुड़ा है, ये क्वेश्चन आपके सिमिलर कर रहे हैं हिंदी से, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप लोग प्लीज आँख मीच कर हिंदी ले लीजिएगा, ठीक है, और संस्कृत ले लीजिएगा। तो 75 का आंसर आपका क्या हो रहा है? डी नंबर हो रहा है यहाँ पर तरफ। जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष जाति का यहाँ पर भेद हो रहा है दोस्तों, तो सिंपल आंसर आपका पुल्लिंग आंसर हो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की संख्या के बोधक शब्द क्या हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की संख्या के बोधक शब्द क्या हैं या हैं? प्रत्यय, उपसर्ग, वचन या लिंग? आंसर आपका हो जाएगा वचन, सी ऑप्शन। इसके बाद लकार का संधि विच्छेद क्या होगा? सेम गाइज, ये सेम है आपका हिंदी की तरह, बट इसमें विसर्ग का प्रयोग हुआ है, बाकी संधि विच्छेद तो सेम उसी तरह से होता है। देखिए इसमें क्या होगा, ल प्लस अकार, ठीक है, ल प्लस अकार है तो यहाँ पर हो जाएगा लकार है। हरिये का संधि विच्छेद क्या होता है? और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 79 वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, स्टार लगा लीजिए आप लोग। हरिये का संधि विच्छेद क्या होता है? आंसर हो जाएगा हरे प्लस ए, हरे प्लस ए। पूर्व पद प्रधान है किस समास का लक्षण है? जिसमें कि पहला पद प्रधान होता है वो आपका अविभाव समास कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है आपका? अविभाव समास कहलाता है, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या हो रहा है कि जहां पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो, ठीक है, या संज्ञा हो, तो वह समास कौन सा होता है? अभी पीछे हम लोगों ने किया था ये वाला क्वेश्चन ही, तो ये आपका अविभाव समास हो रहा है। पंचमी तत्पुरुष कह, पंचमी तत्पुरुष कह, देखिएगा आंसर आपका क्या हो रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका 82, पहला ऑप्शन हो जाएगा रोग मुक्त है, आंसर क्या हो जाएगा? रोग मुक्त है, गुड। इसके बाद स्थावरह का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावरह का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 83, आंसर हो जाएगा जंगम, ठीक है, यहाँ पर जो आंसर हो रहा बी हो रहा है। इनमें से समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, अब आप देखना है कि आपको कि समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। हिंदी में भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट
रोल प्ले करेगा ये वाला क्वेश्चन आपका 84 नंबर का। देखिएगा वारी वारी ये जो है पर्यायवाची नहीं है समुद्र का, 84 में आप लोग डी लगाइएगा। 85 देखिएगा, गढ़ना गढ़ना का अर्थ क्या है, क्रमशः यानी कि गढ़ना और गढ़ना। पहला गढ़ना जो होता है वो बोलते हैं हम लोग चुभने को, और गढ़ना होता है बनाना, ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पर हो रहे हैं। इसके बाद निशांत से रास्ता पूछता है, अब आपको जो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है निशांत से रास्ता पूछता है, तो आपको संस्कृत में अनुवाद करना है इसका। निशांत है, पंथानम प्रसजति, ठीक है, प्रच्छति, निशांतन पंथानम प्रच्छति, तो आंसर आपका होगा बी नंबर। अशुद्ध क्या है, इसमें आपको चूज करना है कि भाई अशुद्ध क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, देखिएगा अशुद्ध है आपका पंडित है, यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन हो रहा है ना, ये वाला आपका अशुद्ध है, क्लियर है। और सूक्ति मालिका के लेखक कौन है, सूक्ति मालिका के लेखक का नाम आप बताइएगा, तो नरोजी पंडित जो है वो सूक्ति मालिका के लेखक हैं, आप लोग बताइएगा लास्ट में स्कोर क्या जा रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है अपना, इनमें से कुंतक का काव्य लक्षण है, इनमें कुंतक का काव्य लक्षण है, क्वेश्चन नंबर आपका 89, तो देखिएगा वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 90, तो पठन कौशल का मुख्य अवयव नहीं है, पठन कौशल का मुख्य अवयव नहीं है, आंसर होगा आपका धावन जो है पठन कौशल का मुख्य अवयव नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, और एक लाइक तो दोस्तों आपको बनता ही है। फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग किसी भी राज्य के TET के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही आप लोग CTET के एग्जाम देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग हमारा लिंक पे जाइएगा अनअकैडमी के, उसको फॉलो कर लीजिएगा, मेरे प्रोफाइल पर फॉलो कीजिएगा आप लोग, और आपको लाइव क्लास मिल जाएंगी और मेरे सारे रिकॉर्डेड लेसन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।